हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद बारमल आपका फिर से वेलकम करता हूँ। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिक्सेल स्क्रिप्ट, उसमें हम बात करेंगे आज के वीडियो में WC कमांड, वर्ड काउंट। नो डाउट कमांड नेम है जो एक्चुअली वर्ड के रिलेटेड है, वर्ड काउंट। लेकिन ये कमांड अल्फाबेट्स भी, मतलब कि कैरेक्टर्स भी काउंट कर पाएगा और नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम एनी फाइल भी वो काउंट कर पाएगा। ये सिंपल कमांड है, सबसे सिंपल कमांडों में से एक है। लेकिन वो सिर्फ अकेले इस्तेमाल जनरली नहीं किया जाता है। रिडायरेक्शनल ऑपरेटर और पाइप ऑपरेटर है, उसके साथ ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस टॉपिक पर हम अभी तक आए नहीं है, इसलिए अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि WC कमांड कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो रिडायरेक्शनल का भी मैंने बोला, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे, मैंने पहले से फाइल बना के हुए रखी है हमारे लिए, कैट करके मैं दिखा देता हूँ। फाइल वन जो मैंने बना के रखी है, ये हमारी टेस्ट फाइल है। विद द हेल्प ऑफ WC कमांड, इस फाइल के अंदर कितने अल्फाबेट्स है, सॉरी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। अल्फाबेट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों डिफरेंट थिंग्स है। कितने वर्ड्स है और कितनी लाइन्स है वो हम काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सिंपली WC लिख के यहाँ पे अगर आप फाइल नेम लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जो फर्स्ट फाइल आया है फॉर द नंबर ऑफ लाइंस, बाद में जो 14 आया है फॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स, और लास्ट में जो 84 डिस्प्ले हुआ है वो है फॉर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। 5, 14, 84 लाइंस, वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर। अब आपको कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन ही चाहते हैं, आपको तीनों आउटपुट में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही चाहिए। दूसरी, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेंथ के लिए एक लाइब्रेरी फंक्शन आता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग का अगर हमें काउंट करवाना है तो फाइल का अगर हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का प्रोग्राम दिया गया है तो कैसे करेंगे, तो WC लिखेंगे माइनस C लिखेंगे फॉर द कैरेक्टर्स, तो बाद में जो हमारा फाइल नेम है वो यहाँ पे फाइल नेम लिखेंगे, C फॉर द कैरेक्टर्स, W फॉर द वर्ड्स, एंड लास्ट में है जो है L फॉर द लाइन्स। आप तीनों चीज सेपरेट भी करवाना चाहते हैं तो सेपरेट भी करवा सकते हैं। दो फाइल का अगर हमें साथ में करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं एक दूसरी पहले फाइल बनाना चाहूंगा। यहाँ पे दूसरी फाइल हम बनाते हैं, मैंने फाइल बना ली है। अब इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे WC फाइल वन और हमारी जो फाइल टू है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों का जो एक, तो जो कुछ भी डेटा है वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिखा दिया। 5, 4, 9, 14, 11, 25, 84, 59 एंड 143। आप आउटपुट पे ही समझ जाएंगे, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है कि आखिर कौन सा आउटपुट किसके लिए है। फिर भी फर्स्ट कॉलम इज फॉर द नंबर ऑफ लाइंस, सेकंड कॉलम इज फॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स, एंड थर्ड कॉलम इज फॉर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कोई एक पर्टिकुलर इसमें अगर आप चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे आप -C लिख सकते हैं या फिर -L भी लिख सकते हैं। तो इसके मदद से आप नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर और लाइंस दोनों काउंट करवा सकते हैं यूनिक्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलिए, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आप जो कुछ भी है मेरा वीडियोस और ट्यूटोरियल पसंद कर रहे हैं। अगर कोई भी वीडियो में कुछ भी चीज पसंद नहीं आई है तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की मैं कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।